रिया आई एम बैक। फोन पर हो? सैनिटाइजर मिला? हाँ मिल गया। ओके मामा। हाँ मामा, और कितना हेल्दी खाऊं? अभी लॉकडाउन में नारियल पानी कहाँ ढूंढने जाऊं? अच्छा मामा, विनय आ गए, मैं आपको कॉल बैक करूं? जी जी पक्का। हाँ मामा बाय। कभी कभार तो उनकी सुन लिया करो यार। तुम और मेरी माँ ना दोनों मुझे पागल करके छोड़ोगे। करके छोड़ोगे मतलब क्या है? करना बाकी है मतलब मैं पागल हूँ? हाँ तब तुम्हारी हरकतें तो ऐसी हैं। Actually you're right. पागल नहीं होती तो तुमसे शादी करती। Wow, that's a comeback. Time for my calls. By the way, तुम्हारा butterscotch वाला फ्लेवर नहीं मिला, आउट ऑफ स्टॉक है। Will you survive? No, you go looking for it. It's an essential these days. हेलो मैम, दिस इज विनय दुबे हियर फ्रॉम CBNM बैंक। मे आई स्पीक विद मिस्टर अवस्थी? मैं उनका रिलेशनशिप मैनेजर बोल रहा हूँ। जी बुलाती हूँ। जी थैंक यू मैम। जी आपका फोन है। अरे तो बोल देती ना, बाथरूम में हूँ। क्या आप भी? हेलो। हेलो सर, विनय हियर, आपका RM। मैंने आपके सेल पे भी फोन किया था। मैंने उठाया था क्या? नहीं सर। तो बात नहीं करनी थी क्या? बात है सर, मूड खराब है। एविएशन और कंस्ट्रक्शन का भाव देखा सर? लेकिन आपका हेल्थ केयर वाला गैम्बल तो एकदम सॉलिड गया ना? हाँ वो थोड़ा ठीक चल रहा है। अरे बस वही थोड़ी सर, टेक्सटाइल और फाइनेंस भी तो एकदम सुपर गया है। आपका जजमेंट एकदम सुपर है सर। तू मस्का मारता है ना तो अच्छा लगता है मुझे, मगर ये खाली पीली खर्चा मत करवा। खाली पीली नहीं सर, दो टिप है, मैंने वेरीफाई भी कर लिया। आप अगले हफ्ते दलाल स्ट्रीट पे कमाल देखो बस। कंपनी क्या है? ठीक है, बाकी उसमें डाल दे, एग्जिट बताना मुझे। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। और बाकी सर, लॉकडाउन में सब ठीक चल रहा है? अरे क्या ठीक, बच्चा उधर US में अटका पड़ा है, माल ट्रांजिट में है, वर्कर्स गांव में हैं और बीवी घर पर। ऊपर से चाइना शुरू हो गया है, लोग पागल हो रहे हैं और तू पूछ रहा बाकी सब ठीक है। चल बाद में फोन करता हूँ, बाय। बाय सर। कोविड-19 अनलॉकची क्रिया आता संपूर्ण देशात सुरू झाली आहे, जेव्हा अत्यावश्यक असेल तेव्हाच घरा बाहेर जा। हॅलो मॅम। विनय, यू आर एम, हाउ यू मॅम? नॉट वेल विनय, दिस व्हायरस थिंग इज सो बॅड या। मेरा सारा शूटिंग कैंसिल हो गया और आगे कोई क्लैरिटी भी नहीं है। सेम बोरिंग लाइफ एवरी डे, नो वन कैन सी मी डूइंग योगा। I can't be posting same pictures on Instagram and TikTok every day na. Mere followers bhi nahi badh rahe. On top of it, no spa, no manicure. Hair is growing everywhere. Bartan bachche de rahe every day. Thank God, that cyclone thing, he didn't come that day. Achha ma'am, apni football team mein Mehta hai na, exit lena chahta hai. Uska offer aaya, very attractive. Tumhare according kya karna chahiye? I think I can negotiate more. You should go for it. You know I like you deciding these things for me. Appreciate ma'am. मैं थोड़ी देर में आपको final offer बताता हूँ, okay?
टेक केयर विनय, बाय. यू टू मैम. हेलो मिस्टर अरोड़ा. हेलो, गुड मॉर्निंग सर. वन सेकंड विनय, I'm on the phone. God damn it, stop it. Call me later. I called this client Ravi Arora's house. I think I just heard something. Ek cheek suni maine. Shayad I'm on the phone. God damn it, stop it. I'm sorry, yeah. Please don't hit. No, no, no. How can we be sure? It could be the TV winner. Nahi Riya, wo samajh mein aata. It was very clear. To phir pata karo. If you're so sure. You're sure, right? Yeah. And call her, not him. Number to hai na tumhare paas? Yes. हेलो, एम आई टॉकिंग टू मिसेस कविता अरोड़ा? जी, आप कौन? गुड मॉर्निंग मैम, दिस इज विनय दुबे हियर फ्रॉम CVNM बैंक, योर रिलेशनशिप मैनेजर. हाउ आर यू मैम? आई एम फाइन. लिसन, प्लीज कॉल माय हस्बैंड, वही देखते हैं सब. मैम, ये प्रोडक्ट स्पेशली होममेकर्स के लिए डिजाइन किया गया है. आपको याद नहीं, दो बार घर आ चुका हूं मैं आपके. Oh yes, याद आया. विनय, nobody's ever praised a simple cheese sandwich more than you. No, no, ma'am, it was really nice. Are you okay, ma'am? You're not sounding too well. No, I'm fine. Tell me. Before I start, ma'am, can I share something? बोलो. मेरी बड़ी बहन थी, उस दिन आपके घर आया, आपको देखा तो उनकी बहुत याद आई. उस दिन कहना भी चाहता था, लेकिन फिर लगा कि पता नहीं आप क्या सोचेंगी. फिर हमारा काम ही ऐसा है कि हम कुछ भी बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि अब कुछ बेचेगा. नथिंग लाइक दैट. क्या नाम तुम्हारी बहन का? उनका नाम भी कविता था मैम. था मतलब? वो दीदी अब नहीं है. She committed suicide. I'm sorry to hear that. It's okay मैम, शायद दीदी अब ठीक से हैं. क्या मतलब? सॉरी मैम, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ. क्या हुआ उन्हें? दीदी मुझसे 9 साल बड़ी थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी. शादी के बाद मैंने उन्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा. She had a horrible marriage. पति मारता था. जी मैम,
मेरे मॉम डैड चूंकि पुराना सोचते थे तो उन्हें डील करना ही नहीं आया, और मैं खुद बहुत छोटा था तो समझ ही नहीं पाया कि क्या चल रहा है, और उन्होंने मुझे कभी कुछ बताया भी नहीं। बच्चे हैं उनके? जी मैम, दो बच्चे हैं। She wasn't fair, man. I feel sorry for her. बड़ी मुश्किल होती है जब आपके सामने कोई रास्ता नहीं बचता, जब आपके अपने सब जानते हुए भी मुंह मोड़ देते हैं। बड़ी मुश्किल होती है बिना, जब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं होती, तुम्हारे बच्चों की भी होती है। Maybe it seems too small a trade-off. No, ma'am. No abuse can be a good trade-off. और मैं आपसे एक और बात शेयर करता हूं। मैंने ये डिस्कशन, ये आर्ग्यूमेंट कई बार दीदी के साथ इमेजिन किया है, और जब भी वो ये जस्टिफिकेशन देती ना कि अब्यूज फील्स टू स्मॉल अ ट्रेड ऑफ, तो मैं हमेशा उनसे डिसएग्री करता। एक औरत और उसकी जो मजबूरियां होती है ना। मेरी दीदी बहुत स्ट्रांग थी मैम, वो हंस के बिना बड़े से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती थी। वही तो, अपने बच्चों के लिए अपने दर्द को आदत बना लेना। तुम नहीं समझोगे। जी मैम, मैं नहीं समझ पाया कि मेरी दीदी जिसमें इतनी हिम्मत थी, इतनी खुशी, इतना जोश था, वो उस साधारण से आदमी से हार गई। जिसने मुझे चलना सिखाया, जीना सिखाया, क्यों उन हाथों को नहीं रोक पाई जो उस पर उठे? क्यों नहीं रोक पाई उसे? क्यों नहीं जी पाई? क्यों घर से नहीं निकल पाई? बड़ा छोटा नहीं पता मैम, बस एक कदम ही तो उठाना होता है ना। पहली बार होता है ना तो लगता है एक्सीडेंट है, गलती से हो गया। फिर एक सॉरी आ जाता है और लगता है कि फिर नहीं होगा, और फिर दुनिया साथ देती अगर तुम्हारी बहन घर छोड़ देती तो। शायद यही उन्होंने गलत सोचा मैम। वो क्यों उस दुनिया की परवाह करती रही जिन्हें उनकी तकलीफ से कोई लेना देना नहीं था? वो अगर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सोचती तो आज के बच्चे कैसे? Kids are scarred for life, ma'am. ना माँ, ना फैमिली। मैं जितना भी कर लूं कम पड़ता है। I failed her, ma'am. She failed her kids. Sorry, ma'am. मैं पता नहीं खामखाब आपका रिलेशनशिप मैनेजर हूं और क्या क्या भगता चला जा रहा हूं। मैम कॉल मी नेक्स्ट वीक में है।
तुमने कभी बताया नहीं अपनी दीदी के बारे में।